We were discussing the control statements in which we have started the decision making statement, and this statement is nothing but your if statement. We have learned the first form of if statement is your simple if statement, in which you have to use it only for the true branch. Then we have seen two way branching, which is used to specify both true plus false path. एंड बोथ दीज फॉर्म्स ऑफ इफ स्टेटमेंट वर्क ओनली विथ वन कंडीशन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है तभी आप ये दोनों स्टेटमेंट यूज कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है दट इज ग्रेटर देन वन कंडीशन देन यू हैव टू यूज विथ स्टेटमेंट यू हैव टू यूज इफ एल सिर इट इज कॉल्ड इफ else if ladder and it is also called multiple branching why it is called multiple branching because there are multiple branches arising because of multiple conditions okay now this condition which we are using in if statement can be a simple condition or a compound condition simple ka matlab kya hai simple relational expression जबकि कंपाउंड कंडीशन का मतलब क्या है इट इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन मीन्स वॉट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड और और ठीक है इनका यूज करके हम जो कंडीशन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है कंपाउंड कंडीशन ठीक है ये याद रखना है आपको नाउ द लास्ट फॉर्म ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज योर

फॉर्म्स विच वी है आप सिंपल इफ में भी नेस्टिंग कर सकते हो या तो आप टू वे ब्रांचिंग में भी नेस्टिंग कर सकते हो या तो आप मल्टीपल ब्रांचिंग में भी नेस्टिंग कर सकते हो नेस्टिंग का मतलब सिम्पल ही है कि इफ कंडीशन के जो साथ आप स्टेटमेंट लिखते हो उस स्टेटमेंट के अंदर वापस से एक इफ स्टेटमेंट लिखोगे तो दिस इज ने One statement is nested within another statement, okay? और ये जो conditions आप यूज करते हो एक से ज्यादा कंडीशन हो जाती है यानी ये कौन सी कंडीशन हो जाती है भी कंपल्सरी कौन सी वाली कंडीशन कौनसी लॉजिकल ऑपरेटर वाली एंड वाली एंड वाली का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन का आंसर क्या होना चाहिए कंपल्सरी ट्रू होना चाहिए सो so इफ कंडीशन वन अगर ये कंडीशन वन ट्रू है तो सेकेंड कंडीशन टेस्ट होगी और ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन टू फॉल्स हो गई तो उसके साथ कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड है स्टेटमेंट टू रिलेटेड है दैट मीन्स वॉट दिस एल्स इज रिलेटेड विद इफ विच इफ दिस इफ ठीक और अगर हम इफ कंडीशन वन फॉल्स हो गई तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होगा ठीक है इनमें से कोई भी एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फाइन एंड टू कंडीशन आर रिलेटेड विथ विच रिलेशन इट इज रिलेटेड विथ एंड रिलेशन मीन्स वॉट कंडीशन वन ट्रू होनी चाहिए कंडीशन टू भी ट्रू होनी चाहिए तभी कंपल्सरी स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा अगर आपकी कंडीशन टू फेल हो गई तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा और अगर आपकी कंडीशन हो जाती है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होगा और इन सभी के केसेस में लास्ट में फाइनली कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू अ चार्ट सो इफ टेस्ट कंडीशन वन इज ट्रू ओके Then test condition 2 will be executed and if this condition is true then which statement will be executed? Statement 1 will be executed but if test condition 2 is false then statement 2 will be executed. Okay? और हर केस में लास्ट वाला कौनसा statement होगा? Statement X होगा. ठीक है? कोई भी statement execution के बाद कहाँ पर जा रहा है? Statement X पर ही जा रहा है. Fine? एंड अगर आपकी टेस्ट कंडीशन वन फॉल्स होगी तभी उस केस में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है स्टेटमेंट नंबर थ्री एग्जीक्यूट होगा ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू अ एग्जांपल नाउ चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड ओनली इफ द नंबर इज ग्रेटर देन ट्वेंटी आपका नंबर इवन है कि ऑड है आपको चेक करना है लेकिन वो कब चेक करना है जब आपका नंबर ग्रेटर देन ट्वेंटी होगा तभी फाइन सो वी आर रीडिंग द नंबर ओके दिस इज वॉट दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ दिएबल रीडिंग द नंबर इफ द नंबर इज ग्रेटर देन ट्वेंटी ट्वेंटी से बड़ा है तभी मुझे चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है सो इफ नंबर ए देट मीन्स योर एंटर्ड नंबर इज ग्रेटर वन और ऑड अगर ये नंबर ग्रेटर देन नहीं है तो जस्ट डिस्प्ले द मैसेज इट इज लेस देन ट्वेंटी बट नॉट द लीस्ट इन केस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज द स्विच केस नाउ स्विच केस इज नथिंग बट इट इज अ मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इट इज यूज वेन वी हैव मोर देन वन कंडीशन ठीक है ये किसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो इफ एल सिफ की जगह पर आप यूज कर सकते हो ठीक है इसीलिए इसको कौन सा स्टेटमेंट कहा गया है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अ स्विच स्टेटमेंट अलाउज द वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्विटी अगेंस्ट लिस्ट ऑफ वैल्यूज इक्विटी का मतलब क्या है कि आपका स्विच स्टेटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू वाला कंपैरिजन होगा उसी के साथ वर्क होगा ये ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू के साथ वर्क नहीं करेगा सिर्फ और सिर्फ किसके साथ वर्क करेगा इक्वल टू के साथ वर्क करेगा एंड इक्वल टू के साथ आप मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो वैल्यूज कैन ओनली बी इंटीजर वैल्यूज ओके इंटीजर वैल्यूज हो सकता है इंटीजर में आप कैरेक्टर को भी कंसिडर कर सकते हो क्यों कैरेक्टर को कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इंटरनली कैरेक्टर्स आर ट्रीटेड एज नंबर्स ओनली ईच वैल्यू इज कॉल्ड अ केस एंड द वेरिएबल बींग स्विच ऑन इज चेकल की वैल्यू आप चेक करोगे ओके सो लेट सी दिन सिंटेक्स में आप क्या है सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट है स्विच के साथ आप क्या ले सकते हो वेरिएबल ले सकते हो या तो एक इंटीजर एक्सप्रेशन ले सकते हो फिर इस वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करना है तो वो सारी वैल्यूज आपको किसके साथ स्पेसिफाई करनी है केस के साथ स्पेसिफाई करनी है सो केस वैल्यू देन देन यू हैव टू यूज स्टेटमेंट एंड उसके बाद आपको लिखना है ब्रेक स्टेटमेंट मींस वर्ड ये केस के बाहर आना है तो बाहर आने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा ब्रेक लिखना पड़ेगा तो हर केस के साथ आपको क्या स्टेटमेंट यूज करना है ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है सेकेंड वैल्यू जो आपको कंपेयर करनी है वेरिएबल की वो किसके साथ आपको लिखना है केस के साथ लिखना है देन स्टेटमेंट टू देन ब्रेक ये कब तक चलेगा जब तक आपकी वैल्यूज जो इस वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी पॉसिबल वैल्यूज आपको किसके साथ लिखनी है केस के साथ लिखनी है ठीक है ठीके? और अगर कोई भी वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो लास्ट में कौन सा स्टेटमेंट है डिफॉल्ट स्टेटमेंट एंड इट इज इक्विवेलेंट टू एल स्टेटमेंट ठीक है और ये केस वैल्यू जो है वो किसके साथ किसके जैसी है एल्स इफ जैसी है एल्स इफ जैसी ठीक है एल्स इक्वेल टू केस वैल्यू द इंटीजर एक्सप्रेशन फॉलोइंग द कीवर्ड स्विच इन एनी सी एक्सप्रेशन विल यील्ड एन इंटीजर वैल्यू यानी जो आपका इंटीजर एक्सप्रेशन है यहां पर उसका आंसर क्या आएगा एक इंटीजर नंबर ही आएगा ठीक है

डिफरेंट फ्रॉम ऑल दस हर एक केस की वैल्यू क्या होनी चाहिए अलग अलग होनी चाहिए फ्लोट कैनॉट बी यूज एज एन एक्सप्रेशन और वैल्यू इन अंस्टेंट आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहाँ यूज नहीं कर सकते हो एक्सप्रेशन में नहीं यूज कर सकते हो और केस में भी नहीं यूज कर सकते हो लेट एस सी द वर्किंग फर्स्ट द इंटीजियर एक्सप्रेशन फॉलोइंग द कीवर्ड स्विच इज इवेल्युएटेड अगर आपने इंटीजर एक्सप्रेशन लिखा है तो उसको पहले वो एग्जीक्यूट करेगा द वैल्यू इट गिव्स इज देन बाय अगेंस्ट द कांस्टेंट वैल्यूज दैट फॉलो द केस स्टेटमेंट यानी जो आपका स्विच के साथ आपने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा केस स्टेटमेंट के साथ होगा व्हेन अ मैच इज फाउंड द प्रोग्राम एक्जीक्यूट द स्टेटमेंट फॉलोइंग द केस एंड ऑल दबेंट के अभी मैच को कैसे मैच करेगा हर केस की वैल्यू के साथ मैच करने की ट्राई करेगा और अगर उसको केस की वैल्यू मैच मिल गई तो वो क्या एग्जीक्यूट करेगा उसके साथ जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा इफ नो मैच इज फॉर्म विथ एनी ऑफ द केसेज ओनली दॉलोइंग होता है तो कौन सा वाला execute होगा? वाला execute होगा, है? तो देट मीन वॉट स्विच का जो भी आपने स्विच स्टेटमेंट दिया है तो केस वन अगर वो सेटिस्फाई होता है तो कौन सा स्टेटमेंट एक्जीक्यूट होता है स्विच स्टेटमेंट ये रहा केस और इसका केस अगर मैच होता है तो कौन एक्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट वन केस टू अगर मैच हो गया ये वैल्यू मैच हो गई आपकी तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट टू अगर कोई भी नहीं मैच होता है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा डिफॉल्ट वाला अगर आपने स्पेसिफाई किया है तो फाइन दैट मीन्स वॉट सिंपल थिंग इज केस वन स्टेटमेंट वन केस टू स्टेटमेंट ट्रू तब तक आपको स्पेसिफाई करनी है वैल्यू जितने आपको कंपैरिजन करवाने हैं अगर ये कंपैरिजन नहीं मिलता है तो लास्ट में कौन सा स्पेसिफाई करना है डिफॉल्ट डिस्प्ले द कलर ऑफ रेनबो अकॉर्डिंग टू द नंबर एंटर बाय द यूजर ठीक है अगर नंबर वन एंटर किया है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए वायलेट अगर टू इंडिगो अगर थ्री एंटर किया है यूजर ने तो ब्लू अगर फोर एंटर किया है यूजर ने तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए ग्रीन अगर फाइव एंटर किया है तो येलो अगर सेवन एंटर किया है तो रेड ठीक है तो जो नंबर यूजर ने डाला है उस नंबर के हिसाब से क्या डिस्प्ले होना चाहिए कलर डिस्प्ले होना चाहिए ठीक है तो हमको नंबर इनपुट लेना है इसीलिए वेरिएबल कौन से टाइप का होगा इंटीजर हमने वेरिएबल रीड कर लिया अब कौन से वेरिएबल का कंपैरिजन करना है ए का कंपैरिजन करना है इसीलिए वो वेरिएबल किसके साथ आएगा स्विच के साथ आएगा जो भी वेरिएबल का कंपैरिजन करना है उसको हमको किसके साथ लिखना है स्विच के साथ लिखना है और ये वेरिएबल्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसको किसके साथ हमें लिखना है केस के साथ लिखना है सो केस वन मीन्स व्हाट विच कलर प्रिंट एफ वायलेट केस टू एफ इंडिगो और हर केस में हमें क्या लिखना है ब्रेक लिखना है इसका मतलब क्या अगर मैंने यूजर ने वन डाला है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए वायलेट वायलेट डिस्प्ले होने के बाद ये कोई भी केस को एग्जीक्यूट नहीं करना है और ये स्विच के बाहर आ जाना है इसीलिए हमें क्या करना है ब्रेक करना है लेकिन अगर यूजर ने वन ना डाल के थ्री डाला है तो ये वन एग्जीक्यूट नहीं होगा टू एक्जीक्यूट नहीं होगा कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा थ्री एग्जीक्यूट होगा लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगी ये चेन टूट जाएगी एंड पूरा वो कहा बाहर आ जाएगा कंट्रोल बाहर आ जाएगा ठीक है सारे केसेस आपको यहाँ स्पेसिफाई करने केस फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेवन एट या सेवन सिर्फ सेवन एट केस नहीं है क्योंकि सेवन कलर्स ही होते हैं रेनबो में सेवेंथ कलर कौन सा है रेड कलर है सिर्फ हमें कलर डिस्प्ले कराना है एंड अगर उसने सेवन के बजाय एट डाल दिया है तो नाइन डाल दिया है तो क्या करना है हमें सिर्फ डिफॉल्ट केस स्पेसिफाई करना है और वहां लिख देना है यू एंटर्ड वैल्यू आउट ऑफ रेंज क्योंकि हमारी रेंज क्या है वन से लेके सेवन क्योंकि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं सेवन कलर्स होते हैं नेक्स्ट इज चेक वेदर द एंटर्ड कैरेक्टर इज वॉवल और कॉन्सोनेट वॉवल का मतलब क्या है ए ई आई ओ यू एंड इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या होते हैं कॉन्सोनेट्स होते हैं सो आई नीड टू रीड अ कैरेक्टर कैरेक्टर रीड करने के लिए गेट केयर फंक्शन है कैरेक्टर रीड कर लिया कंपैरिजन मुझे किसका करना है कैरेक्टर का करना है दैट इज सी एच का करना है तो वो मैं किसके साथ लिखूंगी स्विच के साथ अब मुझे क्या करना है ए आई -E ओ यू इनमें से कुछ भी हो तो उसका मतलब क्या है वॉवल है ठीक है तो मैं रिपीटेडली एफ स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी हर केस को स्पेसिफाई कर दूंगी और उसके साथ लास्ट में क्या स्पेसिफाई करूंगी You entered a and break. या आपने a enter किया 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 में 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 या 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 कोई भी भी और इन में से कुछ भी हुआ तो लास्ट में क्या डिस्प्ले होना चाहिए यू एंटर्ड वॉवल तो हमने क्या नहीं किया हर एक के साथ क्या एसोसिएट नहीं किया प्रिंट स्टेटमेंट नहीं एसोसिएट किया हमने सिर्फ क्या कर दिया ये सारे इनमें से कोई भी केसेस हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए यू एंटर्ड अ वॉवल अदरवाइज वॉट इट इज कॉन्सोनेंट, ओके आई होप इट द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आर क्लियर